हेलो एवरीवन, उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की सीधी भर्ती का जो विज्ञापन जारी हुआ, जहां पर पूर्णकालिक शिक्षिका और अंशकालिक शिक्षिका पदों पर जो वैकेंसी आई, 22,000 सैलरी यहां पर पूर्णकालिक शिक्षिका को मिलेगी। सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, मेरिट पर जो है चयन रहेगा, निःशुल्क यहाँ पर आवेदन किया गया है। और यहाँ पर जो विषय हैं, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक विषय, हिंदी, कला, क्राफ्ट एवं संगीत, गृह शिल्प, कंप्यूटर, इसके अलावा मुख्य रसोईया, सहायक रसोईया, चौकीदार, तो महिला ही जो है यहाँ आवेदन कर सकती हैं। जनपद देवरिया के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में शिक्षिका के पद पर जो है चयन के लिए विज्ञापन जारी हुआ। तो यहाँ पर जो है काउंसलिंग की डेट, टाइम, जगह जो है वो बिल्कुल क्लियर जो है आ गई है। और जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिल किया है, पहले तो आप देख लें, जिन अभ्यर्थियों ने कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया के लिए फॉर्म फिल किया था, यहाँ पर जो है 25 से 45 वर्ष जो उम्र मांगी गई थी। और मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ कोई एग्जाम नहीं, इंटरव्यू नहीं, केवल काउंसलिंग के लिए आप लोगों को बुलाया जाएगा। तो अभी मैं आप लोगों को जो है दिखा देती हूँ, तो जो सूचना है वो बिल्कुल आ गई है। यहाँ पर सिलेक्शन जो रहेगा, 13 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की जो है बात है, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, बीएड, और इसके अलावा जो आप लोगों का एक्सपीरियंस अगर रहा है किसी भी जो है पहले से यहाँ पर पढ़ा रहे थे कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में शिक्षक के रूप में, इसके आधार पर जो है यहाँ सिलेक्शन रहने वाला है। और यहाँ पर जो कट ऑफ है वह भी जो है दिखा दी है, श्रेणीवार कट ऑफ मेरिट का विवरण यहाँ पर आ गया है। गणित के लिए जनरल कैटेगरी में 47.64, विज्ञान के लिए 47.19, अंग्रेजी के लिए 46.42, सामाजिक विषय की जो है नहीं है यहाँ पर, उसके अलावा अंशकालिक शिक्षिका, कला, क्राफ्ट, संगीत, गृह शिल्प के लिए 47.15, कंप्यूटर के लिए 44.63। अब जो है जो जगह है जहाँ पर काउंसलिंग होगी, तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट के साथ में, यानी जितने भी आपके शैक्षिक अंक पत्र हैं उनके साथ में उनकी फोटो कॉपी आप करा लेंगे, और साथ में आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें आप लोगों को लेकर जानी है। दो फोटोग्राफ जरूर लेके जाएं। एड्रेस जो है वो बिल्कुल यहाँ ये रहेगा, गांधी सभागार, विकास भवन, देवरिया, उत्तर प्रदेश, ठीक है। 10:30 बजे आपको पहुँचना है। 8 नवम्बर 2023 को काउंसलिंग आप लोगों की रहेगी। उसके बाद जिन्होंने मुख्य रसोईया, सहायक रसोईया, चौकीदार के लिए यहाँ पर आवेदन किया था, तो 9 नवंबर यानी 8 को जो है सब्जेक्ट की काउंसलिंग रहेगी, और 9 नवंबर को जो है रसोईया, चौकीदार का यहाँ पर रहेगा काउंसलिंग, ठीक है। तो काफी अच्छा रहेगा यहाँ पर पढ़ाना, क्योंकि सैलरी के साथ में जो है आप लोगों को रहने की सुविधा भी मिलेगी। बाकी यहाँ पर खाना भी जो है वो मिलता है, लेकिन खाना जो है वो कैसा है, किस तरीके का जो है मिल रहा है, ये तो वहां जाकर ही जो है पता लगेगा। बाकी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया शालिनी श्रीवास्तव जो है, उनका ये भी कहना है कि जो भी कैंडिडेट काउंसलिंग के लिए आते हैं, तो उनका जो खर्च होगा तो वो स्कूल के द्वारा ही दिया जाएगा। अब ये चीज जो है वहां पर जाकर ही जो है पता लगेगी। तो चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी ही कोई लेटेस्ट न्यूज आती है आपके जॉब से संबंधित, बिल्कुल चैनल पर आप लोगों को सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।